हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखविंदर कुमार है। सुखविंदर जी, इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पूरी तरह से सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और अपने अपने तरह से प्रचार में भी लगी हुई हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का एमपी इस क्षेत्र में होना चाहिए? देखिए सर, इस क्षेत्र में सिरसा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। इसके अंदर एक ऐसा एमपी हो जो इलाके का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर कर सके, जो ये बता सके कि इस इलाके के अंदर इस टाइम में, इस वर्तमान समय में किस किस प्रकार की जरूरत है। जैसे हम पिछले एमपी डॉक्टर शोतमर जी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने हमारे इलाके को संसद के अंदर उठाया और प्रतिनिधित्व किया, जिसकी वजह से एक 4 लेन जो हमारे यहाँ आया था। इसी प्रकार से अब जो वर्तमान एमपी है, हमने भी उनकी स्टेटमेंट भी नहीं सुनी कि वो उन्होंने कोई संसद के अंदर स्टेटमेंट्स दिए हों। तो हम लोग ये चीज़ चाहते हैं कि जो भी इलाके से संसद चुना जाए वो पढ़ा लिखा हो और इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से संसद के अंदर उठाने वाला हो, ताकि उसका समाधान भी संसद द्वारा किया जा सके। जी अच्छा, एक बात बताइए कि अभी कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी को लेकर के आई है राहुल गांधी के विकल्प के तौर पे, क्या लगता है? हालांकि लोग उनमें जो है इंदिरा गांधी की छवि भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इनको मौका मिले और जनता इनको मौका देती है तो वो कुछ इंदिरा गांधी की तरह कुछ कर सकती हैं, आपका क्या कहना है? देखिए सर, ये तो किसी को मौका देने के बाद ही पता लगता है, क्योंकि राहुल गांधी को भी अभी हमने जज नहीं किया। उनकी जितनी भी छवि अभी तक हमारे मन में है वो सब सिर्फ एक सोशल मीडिया के जरिए बनाई गई है। वास्तविकता में वो क्या है, जब तक हम लोग किसी से कुछ, किसी को मौका ही नहीं देंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ भी प्रमुखता से नहीं कह सकते। क्योंकि मोदी जी को भी लोगों ने मौका दिया, उनको एक बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो उन्होंने कुछ कार्य भी किए जो कुछ अच्छे हैं, कुछ पे उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है जैसे नोटबंदी, GST ऐसी चीज़ों पे। परंतु ये है कि अगर हम लोग मौका देंगे उसी के बाद हम उसमें देख सकते हैं कि किसके अंदर हम इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं या हम उसमें किस प्रकार से कार्य करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि अभी कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और दूसरी बार जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो मोदी जी ने चुनाव को देखते हुए करवाया, आप कितना सहमत है उससे? सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा सर कि जो जितनी भी एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बीजेपी ने जो प्रचार किया है जी जी, इससे पहले भी ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, ये सेना का काम है, इसमें राजनीतिक नहीं। नहीं, सेना तो खुद कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुआ है। हाँ ठीक है, लड़ाइयां होती रही हैं और बॉर्डर पे हमेशा जो है फायरिंग भी होती रहती है और दूसरे, वो एक अलग विषय है, लेकिन सेना खुद ये बात मान रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार की है। हालांकि जो सेना के अध्यक्ष हैं वो भी ये बात कह चुके हैं और सभी लोग, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं, तो फिर आप अलग से कैसे ये बात कह रहे हो कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती रही है? क्योंकि सर भारत एक ऐसा देश है, इसमें एक कुछ समय पहले एक बुक्स भी छपी थी रशिया के, उसमें उन्होंने बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री किस प्रकार देश की जनता गुमराह करते रहे जी। उसके अंदर भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बातें बताई गई थी और उनकी नीतियों का विश्लेषण किया गया था। क्योंकि जब तक आप पद पर आसीन है तब तक सब सारी व्यवस्थाएं, सब संवैधानिक संस्थाएं आपके कंट्रोल में होती है। उसके बाद इसका जो वास्तविकता है वो उस समय पता लगेगी जब यहाँ से इस सर्जिकल स्ट्राइक से में जो लोग सक्रिय रहे या इसमें जो सेना के अंदर जिन लोगों ने प्रमुखता से काम किया, जब वो अपने पदों से रिटायर होंगे उसके बाद वो कुछ किताब, जैसे हमारे भारत में चलन है या विश्व में भी आप कहीं भी इसमें चलन है कि कोई भी अधिकारी जब रिटायर होता है तो अपने कार्यों के बारे में और सेना के बारे में, अलग अलग विभागों के बारे में अपनी राय लिखने के लिए किताब प्रकाशित करता है जी। तो जब तक आप सत्ता में हैं, सत्ता में आसीन हैं, तब तक सवाल या उंगली उठाना उस पर, वो भी विभागीय अधिकारियों द्वारा, ये इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए अभी तो मीडिया को लेकर भी काफी सवाल उठते रहे हैं कि जो मीडिया मोदी जी का गुणगान कर रहा है उसमें भी संदिग्धता बरती जा रही है। बिल्कुल जी, थैंक यू। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम राजाराम है और विलेज शाहपुर बेगूसरसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। राजाराम जी, इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लोकसभा के चुनाव की जो डेट है वो निर्धारित हो चुकी है। हाँ जी सर। तो आपके गांव में, आसपास के क्षेत्र में किस तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनको एमपी उठाए और एमपी किस तरह का होना चाहिए? सर ऐसा है कि एमपी जो है जी,
एक अच्छा होना चाहिए जो कि हमारे विकास कार्य जो है जी उनको पूरा कर पाए। जैसे अभी पीछे जो कार्य कुछ अच्छे भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे नहीं हुए, और कुछ अभी कार्य जो है हमारे अधूरे पड़े हैं गांव के अंदर। मैं अपने गांव की बात करूंगा कि हमारे गांव के जो जोड़ है पानी का जी उसकी अभी तक कोई खास परवरिश नहीं की गई, क्योंकि उसमें जो है जैसे जलकुंभी जो है वो भी काफ़ी है, वो बहुत आयात में है, गंदा पानी भी है, उसके निकासी का कोई प्रावधान नहीं हुआ सर। तो अभी तक जो पीछे एमपी रहे हैं कभी आके उन्होंने देखा नहीं गांव के अंदर भी ये किस तरह का माहौल है, इनको ठीक करवाया जाए? पीछे सर जो एमपी आए उन्होंने तो इतना जोर नहीं दिया, जो है अभी फिलहाल जो हमारी भाजपा सरकार जो आ रही है जी, इनके जो एमपी भाजपा ने हमारे कोशिश की है वो बहुत अच्छा किया है सर। पर अभी भी अधूरे जो कार्य जो बीच में पड़े हैं वो उनको पूरा करना अभी बहुत अनिवार्य है, कि गांव की कुछ गलियां भी ऐसी है जो अभी अधूरी पड़ी है। तो आप जो मौजूदा सरकार है इससे कितना संतुष्ट है? सर इस मौजूदा सरकार से तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा कि लगभग, मैं गांव की बात कहूँगा कि हमारा गांव जो है एक इस सरकार से बहुत खुश है सर। अच्छा, तो पार्टियां तो और भी बहुत सारी हैं, इनेलो है, कांग्रेस है, इनमें काम, क्योंकि कांग्रेस के बड़े साल तक राज रहा है, क्या लगता है कि उन कांग्रेस के मुकाबले अभी मोदी सरकार कितना नंबर आगे है? सर जैसे आपने कहा कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर जो कार्य किए जी है वो एक उन्होंने अच्छा किया। पर आज जो भाजपा सरकार की तरफ से बात करूंगा कि भाजपा सरकार ने वक्त के ऊपर किसी से जो हमारे रिश्वतखोरी थी जी वो पूरी तरह बंद है, और स्कूल के अध्यापक या टीचर या मैडम जो भी हमारे स्कूल के अंदर थी वो समय पर नहीं आ पा रही थी, आज जो है इस सरकार के अंदर समय पर आना पड़ता है, और साथ के साथ स्कूल के बच्चे जो है जी उनके बारे के अंदर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस सरकार ने इन बच्चों को बहुत ही प्रस्थान दिया है और बहुत ही आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, मैं ये कहूँगा सर। अच्छा एक बात बताइए, किसानों के लिए इस सरकार ने क्या क्या, अभी जो 6,000 रुपये देने की घोषणा की थी, क्या लगता है वो मतलब ठीक है, किसान संतुष्ट हैं उससे? हाँ सर, यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है किसान के लिए। ये सरकार ने जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए वो इतना कुछ आगे किया है कि आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। कि जैसे अभी पीछे जो बीमा योजना चलाई इन्होंने, बीमा योजना का किसानों को पूरा भरपूर लाभ मिला है, लेकिन वो तो बात ठीक है। हाँ जी, लेकिन अभी मुझे ये बताइए, विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि एयर स्ट्राइक हुई थी, हाँ जी, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हाँ जी, तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुनाव को देखते हुए ये करवाई है, और आर्मी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते। जो अभी आप कह रहे हो कि जो सवाल मोदी जी उठाए जा रहे हैं, ये तो देखो विपक्ष पार्टियां तो उठाती ही रहेंगी सर। तो कुल मिला के मोदी जी सरकार की वो कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। और किसानों के लिए सर, जैसे कि इन्होंने अभी छोटे लघु जो किसान छोटे हैं 5 एकड़ से कम भूमि वाले सर, उनको 6,000 रुपये सालाना जो एक प्रोत्साहन राशि के रूप में किसान को दिया जा रहा है, और इसके साथ अभी इस सरकार ने हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर 15 ट्रैक्टर और टोटल जो है 71 इम्प्लीमेंट किसानों को सब्सिडी पे दे रही है, तो इससे किसान सर बहुत खुश है, और लघु किसान जो है और उनके ऊपर छोटे कारोबारियों के लिए भी इस मोदी सरकार ने काफ़ी ऋण माफी का भी वायदा किया सर। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद।